आज देश में जो 60 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार है, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोग राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को सुनना ही नहीं चाहती है, बेरोजगारों की आवाज़ से उसको नफरत हो गई है। आज इस जंतर मंतर के धरना स्थल पर केरल से लोग आए, आंध्र प्रदेश से लोग आए, कश्मीर से लोग आए, आसाम से लोग आए और सब यहाँ पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक के लिए आए थे कि हम यहाँ पर तब तक अनशन करेंगे जब तक कि सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं देती। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के लोगों, जो कोने कोने से लोग आए हैं, उनको सरकार ने सीधा 5 मिनट भी जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया और उन सबको गिरफ्तार करके परमिशन नहीं दिया आपके पास। हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए, आमरण अनशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखित परमिशन दी थी, कमिश्नर को दी थी, डीसीपी को दी थी, जॉइंट सीपी को दी थी। इन लोगों ने कॉल कर करके हैरास कर दिया हम लोगों को, आप ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा सकते, आप रोजगार आंदोलन नहीं कर सकते, अगर आप लोग करेंगे तो आपको 188 में पंजीकृत किया जाएगा, फलानी धाराओं में पंजीकृत किया जाएगा। सरकार के अनुसार से बेरोजगारी है कहाँ, पकौड़े तलने बेरोजगार मान, ये जो गोदी मीडिया है इन्होंने देश में इस तरह से प्रोपोगंडा रखा हुआ है कि पूरा डिजिटल इंडिया है, देश का 60 करोड़ युवा आज सड़क पर है, आप देख लीजिए, नजर तो नहीं आता ना वो। आपने बिहार, बिहार को जलते हुए नहीं देखा? जब जब देश का युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरा तो पूरा देश ने देखा, ये सरकार हिल चुकी थी, ये सरकार नहीं चाहती। 2000 करोड़ जो बेरोजगार है वोट बीजेपी को देते हैं। मैं आप लोगों के मीडिया के सामने उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये सरकार पूर्ण रूप से दमनकारी सरकार है, बेरोजगारों के खिलाफ सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों और पूंजीपतियों की सरकार है, ये आपको रोजगार देने में विश्वास रखने वाली सरकार नहीं है, ये देश की संपत्तियों को चल रही है, रोजगार छोड़िए जी, अयोध्या में भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मेरी आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से देश के 60 करोड़ बेरोजगार युवाओं से अपील है, आप सब लोग अयोध्या जाएं, कटोरा लेकर जाएं और लाइन से बैठे पूरी अयोध्या के फुटपाथों पर, और ये मैसेज जाना चाहिए कि देश के युवाओं को मंदिर नहीं चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। मंदिर तो देश में करोड़ों मंदिर हैं और राम मंदिर बन रहा है वो ठीक है, राम मंदिर बनाइए, लेकिन ये जो बेरोजगारों के हाथ जो जेब खाली है, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो परिवार का बोझ, अपनी बहनों की शादी का बोझ लेकर चल रहे हैं, उसका समाधान क्या है? आस्था से ज्यादा है रोजगार। आस्था और रोजगार, जब सरकार आई थी तो सरकार ने अपने एजेंडे में ये तय किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो मिल नहीं रहे, जो करोड़ों की महारत्न कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां थी, उनको बेचकर अपने उद्योगपतियों को खुश किया जा रहा है, जो योग्य है उसको तो रोजगार मिल रहा है जी। हाँ, बीजेपी के जितने भी लोग हैं उन सबको सेटिंग से रोजगार दे रहे हैं, जहां जहां पर आप एक बार जितने भी इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको ट्विटर पे ये लोग रोजगार दे रहे हैं, फेसबुक पर उनको रोजगार दे रहे हैं। मैं तो आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ कि कम से कम आप लोग जंतर मंतर पर देश की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को आप अपने चैनल से दिखा रहे हैं। तो कहते हैं हमें तमाम युवा मिलते हैं, पहले धर्म बचा ले, रोजगार तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले धर्म बचाने की बात है, देखिए वो तो धर्म बचाने में लगे हुए हैं सब। ये धर्म रोज युवा नहीं बचा रहा है, ये धर्म बीजेपी नहीं बचा रहा है, ये धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये धर्म के नाम पर बेरोजगारी के मुद्दे को किनारे किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए यदि देश का युवा बेरोजगार जाग गया तो कम से कम हमारी सरकार 2 मिनट भी नहीं लगेगी टिकने में 2024 के। इसलिए ये पूरे 24 घंटे क्या दिखा रहे हैं, ये मंदिर दिखाएंगे आपको 24 घंटे, ये हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे आपको 24 घंटे, ये देश में ऐसे ऐसे योजनाओं का ये भव्यकरण करेंगे। अरे कि देश घर नल पहुंचाया है और जिनके सर पर छत नहीं थी उनको घर दिया है, आप कह रहे के बेरोजगारी है। सर, देश भर से जो लोग आए थे, जब उनसे आज की जो योजना है, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्मार्ट इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे जल मिशन हो, कितने भी योजनाएं हैं, ना नल पहुंचा, ना पानी पहुंचा, ना गैस पहुंची, आज आप देख लीजिए महंगाई का स्तर क्या है। गैस और तो बीजेपी पे पहुंच रहा है सारा, कुछ पहुंच रहा है ना पहुंच रहा है, देखिए ये सब जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप एक बार नोटा भी देखिए, आप एक बार बैलेट के भी जो वोट हैं उनको भी देखिए और आप ईवीएम को भी देखिए, ये पूरी के पूरी तरीके से प्रशासनिक है। देखिए जिस तरह से आप लोग जो सर्वे करते हैं, मीडिया को मैं मानता हूं, जो सर्वे करते हैं, सर्वे में जब दिखा रहे हैं कि इतनी सीट बीजेपी को
बनतिहाई सीट मिल रही है, 20% सीट मिल रही है, फिर बीजेपी फुल बहुमत में आ जाती है, तो आप समझिए इसका क्या मतलब है। मोदी जी की गारंटी जीत रही है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी को कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, और ये गारंटी की गारंटी, तो मोदी जी 2 करोड़ लोगों के रोजगार की गारंटी कहाँ है? एक बार आप लिस्ट तो जारी कर दीजिए। अरे 2 करोड़ नहीं तो 20 लाख लोगों की लिस्ट जारी कर दीजिए, 20 लाख नहीं तो 2 लाख लोगों की लिस्ट जारी कर दीजिए कि आपने हर साल सिर्फ 2 गारंटी नहीं दी है, इन्होंने मूर्ख बनाने की गारंटी दी है देश के युवाओं को। आत्मनिर्भर बन रहा है देश, देश की संपत्तियों को बेच के इनके पूंजीपति अडानी अंबानी आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन देश का बेरोजगार आज भी वहीं खड़ा है जो 2014 पे खड़ा था, जो आजादी के बाद से खड़ा था। इसका सिर्फ एक समाधान है, राष्ट्रीय रोजगार नीति, जिसको संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, चाहे किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, आज सब लोग यहाँ पर आए थे। टीवी तो सर हमने जमाने से देखना बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा मिल रहा है कि किसी भी तरीके से मोदी का जितनी नीतियां हैं उनको महामंडन किया जाए, इनको बताया जाए देश में ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना शिक्षा की व्यवस्था दिक्कत है, ना स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है। लेकिन आप सर एक बार किसी गांव का चक्कर काट लीजिए, एक बार किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज का चक्कर काट लीजिए, वो बताएंगे कि हम बीकॉम है, एमकॉम है, आईआईटी है। डर हमारे पास खोने को सर कुछ बचा ही नहीं है। हम तो आज करो या मरो की स्थिति में है देश का 60 करोड़ से ज्यादा युवा, 60 लाख पद खाली है हमारे देश में, लेकिन उनको भरने की नहीं इनको चिंता है, इनको सिर्फ संपत्तियों को बेचने की चिंता है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपके पास एक मौका है, जब भी जनप्रतिनिधि आपके पास जाए उनसे कह दीजिए कि हमें रोजगार में क्या मिला, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, उसी समय इनका पर्दाफाश हो जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति आप लोगों ने लागू क्यों नहीं किए, आप ये अपने जनप्रतिनिधि से क्वेश्चन कीजिए। हो सकता है कि ये सरकार युवाओं की विरोध को देखते हुए, आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन एम्स बुलवाया तो है। हाँ, कागजों पर एम्स है, इन्होंने जितने भी चाहे स्वास्थ्य पर काम किया, शिक्षा पर काम किया, या बेरोजगारी को दूरी पर करने पर काम किया, ये सिर्फ कागज पर, लेकिन जो सामने है वो सामने है संपत्तियों को बेचने का काम, चाहे कोई भी, चाहे रेल बेच दी, भेल बेच दी, जो भी मिला ये बेचते चले आ रहे हैं। और आज देश के 60 करोड़ युवाओं के भविष्य को ये सरकार बेचने में एक मिनट भी रत्ती भर इनको संकोच नहीं है, शर्म नहीं है। वर्ल्ड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है, आप कह रहे हो कि क्या हो रहा है इस सरकार में। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो G20 हुआ, ये G20 2019 में प्रस्तावित था, ये जानबूझ के G20 को किया गया, और G20 अब अगली बार अफ्रीका में हो रहा है, तो क्या देश में अफ्रीका विश्व के महाशक्ति बन जाएगा? ये एक क्रम होता है, प्रोटोकॉल होता है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष है सबको एक एक बार मेजबानी कर, लेकिन इन्होंने G20 के नाम पर बता दिया कि पूरे विश्व की महाशक्ति मोदी है, पूरे विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र भारत है, लेकिन देश का 60 करोड़ जब युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, स्टेशन पर रेलें जला रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो बताइए कि राष्ट्र निर्माण किस तरह से होगा जब राष्ट्र निर्माण में 60 करोड़ लोगों की, युवाओं की भागीदारी ही नहीं है। मेरी आपसे अपील है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति ही इस बेरोजगारी का समाधान है, और यही मेरे देश के युवाओं से अपील है।